आजकल खबरों में करतारपुर कॉरिडोर का मामला बहुत छाया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। करतारपुर सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गुरु नानक देव जी की याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। यह पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। यह भारतीय सीमा से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लाहौर से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है। गुरु नानक देव जी 1522 में करतारपुर आए थे और अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, यानी जीवन का अपना आखिरी वक्त उन्होंने यहीं गुजारा था। जिस जगह पर यह गुरुद्वारा है, कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने यहीं 1539 में चोला का त्याग किया था। यह पहला गुरुद्वारा माना जाता है जिसकी नींव गुरु साहिब ने खुद रखी थी। एक बार यहां गुरुद्वारा रावी नदी की बाढ़ में बह गया था। उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ने इसे पुनः स्थापित करवाया। यहां गुरु नानक देव जी की समाधि और कब्र दोनों मौजूद हैं। जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और श्रद्धालुओं को इसके दर्शन के लिए 23 अक्टूबर 2019 तक वीजा लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन 24 अक्टूबर 2019 को हुए ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे समझौते के बाद वीजा का प्रावधान खत्म हो गया है। 24 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो जो लोग गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते हैं, वे भारत से ही रंधावा गुरुद्वारे में दूरबीन की सहायता से दर्शन करना संभव था। सिख समुदाय को बरसों से यह उम्मीद थी कि यह कॉरिडोर एक दिन खोल दिया जाएगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 24 अक्टूबर 2019 दिन गुरुवार को हुए भारत पाक समझौते के बाद सिख समुदाय को दूरबीन का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। वह खुद जाकर गुरुद्वारे का दर्शन कर पाएंगे। इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक इस गलियारे के जरिए पहुंचा जा सकेगा। समझौते के तहत श्रद्धालु सुबह में यहां आएंगे और गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन कर शाम लौट जाएंगे। हर दिन कम से कम 5000 श्रद्धालुओं को बिना वीजा के इस पवित्र स्थल तक जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक श्रद्धालु को $20 शुल्क का भुगतान करना होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।